Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 न्यूज के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। कश्मीर घाटी के शोपिया जिले को राजौरी और पूंछ जिलों से जोड़ने वाली मुगल रोड ताजा बर्फबारी के कारण बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 306 यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां रघुवीर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने देर रात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप 2023 में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भिड़ंत होगी। यह मुकाबला चेन्नई के चिपॉक स्थित MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। अदानी पावर ने दिवालिया हो चुकी बिजली कंपनी को खरीदने के लिए डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई है। तमिल एक्ट्रेस गौतमी तडिमल्ला ने 25 साल तक BJP का सदस्य रहने के बाद सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के पुणे में सड़कों पर इजराइल के झंडे चिपका दिए गए, जहां तक कि इन झंडों पर पैरों के निशान भी मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा में अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। NCP नेता रोहित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को BJP नेता नियंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए सरकारी अस्पतालों का 26 स्थानों पर काम अधूरा पड़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए कदमों का खुलासा नहीं किया है। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे अगले साल के आम चुनाव के दौरान प्रचार के लिए विज्ञापन बैनरों का नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सवाल किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा व्यवहार करेगी तो उस पर कौन भरोसा करेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर विवादों के बीच मुस्लिम आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ रही है। मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण की वकालत कर रहा है। इसराइल हमास युद्ध में गाजा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। शहर पर एयर स्ट्राइक के बीच इसराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और सीरिया तक में बमबारी की है। भारत ने न्यूजीलैंड को विश्व कप 2023 के मुकाबले में हरा दिया। इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड टूटे। कोहली और शमी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। बिग बॉस 17 का पहला वीकेंड का वार हो चुका है, जिसमें काफी ड्रामा देखने को मिला है। इस दौरान ही मनारा और ईशा का झगड़ा भी देखने को मिला। बिग बॉस 17 का पहला वीकेंड का वार हुआ, जिसमें टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अपने हालिया रिलीज गणपत के लिए आए थे। थलपति विजय की फिल्म लियो बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। फिल्म सिनेमा घरों में जमकर नोट छाप रहे हैं। वीकेंड पर इस फिल्म ने सनी देओल स्टार गदर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। थिएटर में कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 OTT प्लेटफॉर्म C5 पर रिलीज हो चुकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBCN न्यूज पर यह लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ NBCN न्यूज पर। NBCN के तमाम दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।